हेलो जी अस्सलाम वालेकुम दिस uh, इज सैद अजमीर अली आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यार uh, काफ़ी दिनों से कोई आइडिया आ नहीं रहा था कि अबाउट व्हाट आई शुड मेक अ वीडियो तो आज मैंने सोचा कि बात कर लेते हैं थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम पे पाकिस्तान के क्योंकि अभी जिस तरह की सिचुएशन चल रही है स्पेशली इन पाकिस्तान और एजुकेशन uh, को लेके मतलब स्कूल्स का खुलेंगे नहीं खुलेंगे यूनिवर्सिटीज़ का के प्रमोट होंगे नहीं होंगे क्या होगा बोर्ड के एग्जामेशनज एवरी थिंग इज़ काइंड ऑफ परप्लेक्सड सो so, मैंने सोचा कि यार आज थोड़ी चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या वो बेसिक रीजन है जिनकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं हालांकि चाइना और साउथ कोरिया अगर हम इन कंट्रीज़ की एग्जांपल्स लें तो यहाँ पे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो गई हैं और मतलब वो अपने बिल्कुल फ्लो के अंदर जो है वो कंटिन्यूड है ठीक है आई एम सॉरी फॉर द स्वेट लेकिन यह है कि साउंड की वजह से करना पड़ता है तो बेसिकली हम बात क्या कर रहे थे कि एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान अच्छा सबसे पहले तो देखें हम बात ही करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज या क्या प्रिंसिपल्स uh, हैं जिनके ऊपर काम करते हुए हम एक सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान को रेगुलेट कर सकते हैं बेसिकली अच्छा अगर हम उनकी एग्जांपल्स दें जैसे मैंने पीछे बात की चाइना uh, की और साउथ कोरिया की देखें हम में जब ये वायरस आया हमारे मुल्क में तो उससे पहले चाइना में आ चुका था ठीक है ना और उसने विद इन टू मंथ्स उसने वायरस को किया और अब वो अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज को रिज्यूम कर चुका है अभी मैं एक पिक्चर देख रहा था इंटरनेट के ऊपर कि उन्होंने साउथ कोरिया में स्कूल्स ने जो है वो मतलब आ, उनकी डेस्क जो है आपकी पढ़ने वाली जो डेस्क होती है जिसपे यू कैन राइड रीड उसका उन्होंने हर कंपार्टमेंट हर स्टूडेंट के लिए डेस्क वगैरह का सेपरेट सिस्टम किया हुआ मतलब द डेस्क इज एन आइसोलेशन सॉरी द डेस्क इज इट्स सेल्फ एन आइसोलेशन काइंड ऑफ एटमोसफियर ना तो मतलब स्टूडेंट्स को और इतनी डिस्टेंसिंग के साथ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं कि अब सारे प्रिकॉशन इमर्ज वो लोग ले रहे हैं लेकिन यहाँ पर हमारी इनकॉम्पिटेंस आ जाती है हमारे आड़े अच्छा अब ये मैं बात करना चाहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज क्या हैं जिनकी वजह से हमें यह सारी मुश्किलें हो रही हैं फ्लॉज सबसे पहला जो हमारे पास फ्लॉ है वो ये है देर हैज बीन अज रीजनल डिस्पैरिटी बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान इफ यू टॉक अबाउट फाटा तो वहां पर जो रेशो है I was studying a report yesterday, तो वहां पर सिर्फ तीन परसेंट फीमेल्स को अलाउड है अंदर मतलब देर आर ओनली थ्री परसेंट फीमेल्स जो कि स्कूल जाती हैं बाकी वहाँ पे मेल्स हैं ठीक है ना एजुकेशन uh, को सही तरह प्रोवाइड नहीं हो रही फीमेल्स को बाकी और जो जैसे बलोचिस्तान वगैरह के रीजन्स हैं यहाँ पर भी यही सेम सिचुएशन है ठीक है ना अच्छा कंपेरेटिवली पंजाब और सिंध के अंदर फीमेल स्टडी का रेशियो ज़्यादा है बट इट्स एट नॉट दैट लेवल कि हम जो है उसको कमेंडेबल कह सकें ठीक है पहली बात तो रीजनल डिस्पैरिटी की आ गई और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की आ गई दूसरी बात ये कि हमारा जो टीचिंग लेवल है या जो टीचिंग हमारा क्या कहना चाहिए क्राइटेरिया है वो बहुत ही इनकॉम्पिटेट है बहुत ही ज़्यादा ऑब्सोलीट हो गया है अब मतलब आ, ये एक फेज़ हमने भी सुना था कि यार जो हमारे बाप दादों के ज़माने से हम किताबें पढ़ रहे थे वही किताबें हम अभी भी पढ़ रहे हैं विच इज़ वाई हमारे दिमाग जो हैं वो फ्रीज हो चुके हैं हम कोई इनोवेशन सोचने के काबिल ही नहीं रहे ठीक है ना हमें वही रटी रटाई चीजें पढ़ाई जाती हैं और उन्हीं रटी रटाई चीजों के ऊपर हम लोग अपनी जिंदगी के डिसीजंस ले रहे होते हैं ठीक है ना हमें इनोवेशन की तरफ लाया ही नहीं जाता हमें कोई टेक्निकल स्किल एक्वायर नहीं करवाई जाती इन आर स्कूल टाइम्स सॉरी मतलब सीन यह होता है कि हमारी लिख दी जाती है नाइन टू एट टू टू हमारा स्कूल होगा उसके बाद जो हमें होमवर्क करना है आ, हर वीक में एक टेस्ट हो जाएगा उसके बाद एक मिड टर्म एग्जाम होगा एक फाइनल एग्जाम होगा और हमारा रिजल्ट अनाउंस होगा हम अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे यही सेम पैटर्न फॉलो होता है टेंथ एट क्लास तक उसके बाद बोर्ड्स आ जाते हैं फिर उसमें आप जो है वो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो पाँच सब्जेक्ट्स आपके होते हैं आप उनके नोट्स बनाते हो रटे रटाए नोट्स पढ़ते हो पेपर देते हो पास हो जाते हो अगली क्लास में प्रमोट हो जाते हो एंड दिस जर्नी कंटिन्यूस थ्रू आउट तो आप मुझे एक चीज बताएं ना कि अगर इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहे और हमारी यूथ जो आने वाली है वो इसी तरह से अगर पढ़ती रही तो हमारे अंदर इनोवेशन कहां से आएगी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप कैसे होगा ऐसी सिचुएशन में भी एजुकेशनल एक्टिविटीज को रिज्यूम करने वाले मामालिक की एग्जाम्पल्स अगर हम ले रहे हैं और हम अभी इस वक्त डर के बैठे हैं कि अगर हमने स्कूल्स खोले तो हमारे पास केसेस बढ़ने की केसेस बढ़ने का खर्चा ज्यादा है तो यहीं पे मैं वो बात करना चाहूंगा कि वो भी तो मुल्क हैं जिन्होंने रिज्यूम किए अपनी एक्टिविटीज उन्होंने क्या मेजर्स ऐसे लिए कि इस वायरस के होते हुए उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को रिज्यूम कर लिया इसका मतलब है कि दे आर प्रोएक्टिव देयर एजुकेशन सिस्टम दे आर काइंड ऑफ सिंसेर अबाउट वट देर यूथ शुड डू लेकिन यहाँ पर मसला ये आ जाता है हम लोग इस चीज से सिंसेर नहीं है पहला मैंने फॉल्ट आप लोगों को क्या बताया कि ऑप्सुलीट एजुकेशन सिस्टम ऑप्सोलीट करिकुलम ठीक है ना हमारा करिकुलम रिवाइज ही नहीं होता जो बुक्स मेरे पेरेंट्स ने मेरे फोर फादर्स ने पढ़ी थी वही बुक्स आज मैं भी पढ़ रहा हूँ मेरे छोटे भाई बहन भी पढ़ रहे हैं और इन शाह इनशाला अगर इसी तरह से अब चलता रहा तो हमारी आने वाले नस्लें भी वही बुक्स पढ़ रही होंगी वही इंग्लिश के अंदर अबू बिन आदम वही नीम ट्री वही सब कुछ हब हमें वो चैप्टर्स रट चुके हैं सो दिस शुड बी रिवाइज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के प्लीज़ लुक इन टू द मैटर एंड रिवाइज द करिकुलम इस पर बहुत दफ़ा पहले भी बात हो चुकी है मतलब डिफरेंट ग्लोबल फोरम्स के ऊपर भी बात हो चुकी है बट No so हमारा करिकुलवाइज हो गया दूसरा फॉल्ट हमारे पास ये आता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि भाई हमारे यहाँ पे क्लास स्ट्रगल चल रही है बिटवीन एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पे एक जो है वो एलीट क्लास है और एक मिडिल क्लास है एक पुअर क्लास है एलीट क्लास जो है वो उनके लिए हमने हमने बेसिकली क्लासीफाई कर दिया कि दीज स्कूल आर ओनली फॉर क्लास दीज स्कूल क्लास एंड दीज स्कूल आर फॉर पुअर क्लास क्योंकि पुअर क्लास तो बेसिकली पूरे दिन में मतलब उनको दो वक्त की रोटी मिल जाए उनके लिए यही बहुत होता है तो वो कहा इन चीजों पर पढ़ाई पे तालीम पे करिकुलम पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे टेक्निकल स्किल्स पे इन पर तोज्जा देंगे क्योंकि उनका तो बस यही होता है पूरे दिन में भाई हमें दो वक्त का खाना मिल गया दैट्स ऑल फॉर द डे इसके अलावा उनके पास सोचने का कोई और काम नहीं होता मतलब वो सोच नहीं सकते अपनी इस पैराडाइम से बाहर ठीक है ना तो ये तीन क्लासेस हमारे पास हैं जिन, जिन को लेकर हमने अच्छा वो क्लास को देख के क्या आता है कि इनके लिए हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को सिग्निफाई कर दिया हालांकि गवर्नमेंट स्कूल्स इन एवरी अदर कंट्री आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस हर दूसरे मुल्क के अंदर अलावा पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है बिकॉज दे आर अंडर द स्टेट रेगुलेशन लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स को उतनी इंपॉर्टेंस बता है जितनी गवर्नमेंट सेक्टर को मिलनी चाहिए ठीक है ना हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स की इतनी इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल्स की उतनी नहीं है इंपॉर्टेंस और जो टीचिंग का प्रोफेशन है ना वो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑप्सोलीट समझा जाता है मतलब किसी बंदे का अगर करियर ग्रूम नहीं कर रहा वो कहीं पे जॉब करता है कहीं नहीं कर पाता उसका करियर मतलब इनकॉम्पिटेंट चल रहा है तो वो क्या करता है वो टीचर बन जाता है जबकि दुनिया के हर दूसरे ममालिक में इफ टेक द केस ऑफ जर्मनी तो जर्मनी के बारे में वैसे भी एजुकेशन के बारे में काफी चीजें मशहूर हैं कि द मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन इन जर्मनी इज ऑफ अ टीचर लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है द लीस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन इन पाकिस्तान इज ऑफ अ टीचर तो अगर हमारे हाँ टीचिंग इतना लीस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन होगा तो इस सिचुएशन में हमें यह सब फेस करना पड़ेगा कि हम स्कूल खोलें या नहीं खोलें हम कैसे हम देखेंगे हमारे पास वो मेजर्स ही नहीं है कि अगर हमने स्टूडेंट्स को स्कूल बुलवा लिया तो हम उनको किस तरह से असिस्ट कर रहे होंगे हम उनको किस तरह से जो है वो केटर कर रहे होंगे हम उनकी किस तरह से देखभाल कर रहे होंगे वीडियो अबाउट चाइना के उन्होंने कोरोना से रिकवर करने के बाद स्कूल्स को किस तरह से मतलब बिफोर एंट्रिंग टू द मेन गेट ऑफ द स्कूल देवर फाइव टू सिक्स चेक पॉइंट्स अच्छा हर चेक पॉइंट के ऊपर एक चेक पॉइंट के ऊपर जो भी बच्चा स्कूल आ रहा है उसका मास्क चेंज हो रहा है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है प्रॉपरली सैनिटाइजर शावर के अंदर उसको दिया जा रहा है फिर उसके बाद उसके हैंड वॉश हो रहे हैंड सैनिटाइज हो रहे हैं ग्लव्स पहनाए है जा रहे हैं उसके बाद एक आ, मतलब हैं मैडम वो उनको क्लास तक छोड़ के आ रही हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ मेन गेट से पहले के वो के मतलब मेन गेट से एंटर होने से पहले पांच से छह चेक पॉइंट हमारे पास अब यहां पर अगर हम इस तरह से करें क्योंकि यहां पे इस चीज का दिमाग ही नहीं जाएगा किसी यहां पर हमारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उनका दिमाग ही नहीं जाएगा इस तरफ कि हम इस तरह का भी कुछ कर सकते हैं हालांकि दिस वीडियो इज द मोस्ट पिवालन दिस डेज मतलब वो शेरी इस वजह से हो रही है कि भाई हमारे वालों को भी तो कुछ सोचना नहीं ना कि अगर चलो स्कूल खोलने हैं तो और ज़रूरी भी हैं बिकॉज देखें एक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का मसला दूसरा जब इतना बड़ा गैप आ जाता है ना हमारे स्टूडेंट्स में तो वो बेसिकली फिर उनको दोबारा रिट्रैक करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है ठीक है ना रिट्रैक नहीं होता है हमारे स्टूडेंट्स बिकॉज वही इनोवेशन नहीं है ठीक है ना इनोवेशन का मसला है सेल्फ स्टडी की वो नहीं है सेल्फ स्ट्रेटेजाइजेशन की वो नहीं है सेल्फ स्टडी हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि सेल्फ स्टडी करते पाकिस्तान की अगर मैं कोई गलत नहीं हूँ तो एक नॉमिनल नंबर ऑफ पॉपुलेशन नहीं है जो हमारे पास सेल्फ स्टडी को प्रोवोक करती है या सेल्फ स्टडी करती है हमारे पास बहुत कम बच्चे इस तरह के हैं जो सेल्फ स्टडी करके अच्छे ग्रेड्स ले आते हैं करते हैं हमारे यहाँ असिस्टेंस चाहिए ही होती है बच्चों को क्योंकि स्पून फीडिंग की आदत डाली जाती है कोचिंग के नोट्स इस सर के नोट्स उस सर के नोट्स तो ये शुरू से चलता हुआ आ रहा होता है तो ये एंड तक भी चल ही रहा होता है लेकिन वहाँ पर क्या किया जाता है दे आर बींग लेफ्ट अ लोन और फिर उनको कहा जाता है कि यू आर द वन हु हैव टू हु हैज़ टू फाइंड देयर वे आउट प्रॉब्लम तो जब वो खुद अपना तरीका उस प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं दैट इज द पॉइंट वेर दे डेवलप इंटेलेक्चुअल स्किल्स इन दैम तो हमें बेसिकली ये सारी चीजें करने की जरूरत है हमें ये सोचना पड़ेगा कि यार क्या हमारे साथ इस तरह के मसाइल हैं जो कि हम इस सिचुएशन में स्कूल्स खोलने के रवादार नहीं हैं हालांकि हर दूसरा मुल्क जो कोरोना से रिकवर कर रहा है वह पहला काम यह कर रहा है कि वो अपनी एजुकेशन एक्टिविटीज को रिज्यूम कर रहा है साउथ कोरिया के आप एग्जाम्पल ले लें चाइना के आप एग्जाम्पल ले लें न्यूजीलैंड की आप एग्जाम्पल ले लें हर मुल्क वो काम ये कर रहा है कि वो अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज के लेकिन हम अभी तक उन केसेस में ही फंसे हुए तो आई होप के जो है हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को इस चीज़ का अंदाजा हो और वो इस पर कोई प्रोडक्टिव मेजर्स ले लें और हमें भी इस सिचुएशन से निकाल दें इनशा सो दैट्स ऑल फॉर दैट दैट जस्ट जस्ट अ रैंडम ऑल्फोर तो आई थॉट शेयर इट विद यू गैस आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फोर गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू